दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफर में। गाइस मैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 2 को मैं अगेन कंटिन्यू कर रहा हूँ। इकोनॉमिक की सीरीज जिसको कहते हैं मैं स्टार्ट कर रखी है, जो 9th से लेकर 12th क्लास तक की है। 9th क्लास की एनसीईआरटी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसमें 4 चैप्टर थे, और 12th क्लास इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 आज मैं इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी फॉर द डिले बिकॉज कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बन जाते हैं कि कभी टाइम टेबल देना पड़ जाता है, कभी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर कुछ घर के भी कुछ छोटे मोटे काम हो सकते हैं, और इवन दैट कुछ फेस्टिवल्स का भी सीज़न हो सकता है, जिस वजह से ये सीरीज थोड़ी सी डिले हो गई। बट येस प्रॉमिस है कि मैं आपको बैक टू बैक में आपको लेक्चर से भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको 12th क्लास इकोनॉमिक तक जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इन फ्यूचर में अगर देखेंगे इकोनॉमिक की सीरीज़ अगर मेरे बस की हुई, मेरी औकात के अंदर हुई, तो डेफिनेटली मैं स्टार्ट भी करूँगा। देखिए ये लेक्चर स्ट्रिक्टली जो फोकस है यूपीएससी से रिलेटेड ही है, पीसीएस के बारे में तो कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगा यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अंदर एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चंस बड़े घुमा घुमा के आते हैं, और जिस वजह से ये 10th क्लास इकोनॉमिक भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का बेस स्ट्रांग हो सके। और जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा लिख लें तो मज़ा नहीं आएगा, नंबर क्रैप नहीं कर पाएंगे। तो बेस की वजह से मैंने ये 9th से लेकर 12th क्लास इकोनॉमिक की जो सीरीज स्टार्ट करी, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इकोनॉमिक कभी पढ़ी नहीं है 10th के बाद, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों के साथ वो फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आज के समय स्ट्रगल कर रहे हैं। इकोनॉमिक आती है वैसे हालत ख़राब हो जाती है, हाथ पाँव फूल जाते हैं, तो ये सीरीज़ उन्हीं के लिए ठीक ठाक रहेगी अगर मैं बात करूँ तो। बाकी जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं तो मत देखिएगा यार, मैं ये तो नहीं बोलूँगा, बट आपके ऊपर है, अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। तो खैर गाइस चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड, और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक में देखिए ऑथर ने अगर बात करें पूरे चैप्टर का निष्कर्ष, अगर मैं एक पेज पर बताने की कोशिश करूँ कि हाँ भी कंक्लूजन क्या निकला, देखिए कंक्लूजन में ऑथर ने हमें 3 तरह की जॉब्स बताई कि भाई एक तो होता है नेचर ऑफ जॉब्स, कि भाई बियॉन्ड द क्लासिफिकेशन क्या इनका, कि भाई नेचर ऑफ जॉब्स रिलेटेड की ठीक है, इसमें प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक द्वितीय उद्योग, इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से भी निकाला। मींस ऑथर ने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि भी एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज वही जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी, लिमिटेड कंपनी, जिसमें हर मंथली जो सैलरी बेसिस पे हिसाब से हमें कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, हमारा जो रिमुनरेशन सैलरी मिलती है। और एक होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, आप देखेंगे ठेले ठेले वाले, रिक्शे वाले, ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, आप देखते होंगे ये उनका सेक्टर्स होते हैं, दुकानदार वाले, कि भाई कस्टमर आएगा तो ही वो बोनी बट्टा होगा, नहीं आएगा तो फिर कुछ ब्लैंक ही जाएगा अगर बात करें तो। इसी की तरह से थर्ड हमें ऑथर ने हमें यह समझाने की कोशिश करी कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप में भी दो तरह के क्लासिफिकेशन उन्होंने दिखाने की कोशिश करी, कि प्राइवेट सेक्टर जिसको सभी को पता हो प्राइवेट की जॉब बड़ी मुश्किल होती है, और पब्लिक सेक्टर की जो आप लोग समझ गए होंगे। तो खैर अलग चीज़, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और यहाँ पे जो है ओवरऑल जो है पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड हमें यहाँ पे जो ऑथर ने ओवरऑल हमें बताने की कोशिश करी। तो ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर इसी की थीम के ऊपर ही जो है अगर देखें तो इसी के ऊपर ही चल रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, कि हम पहले पेज से स्टार्ट करके इसके चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है, देखो सिंपल सी बात है, जहाँ से आपको इनकम मिलनी स्टार्ट हो, कोई भी एक्टिविटी लगा लें जहाँ से आपको लीगली वे में, एक वर्ड आता है लीगल वे, कि हाँ जो कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि हाँ आप, ऐसा नहीं कि आप ड्रग्स और स्मगलिंग करें तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, नहीं, वो चीज़ें जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होती हैं। तो जिस वजह से जो चीज़ें लीगली वे के थ्रू आपको अगर हाँ कोई भी काम करें और आपको इनकम मिल रही है, तो दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक पीपल गोइंग फॉर द वर्क इन द फैक्ट्री, बैंक, स्कूल्स, जब भी आदमी जाता है चाहे वो फैक्ट्री में जाए, चाहे बैंक में जाए, चाहे स्कूल में जाए, तो ओवरऑल उसकी अगर बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो है देखा जाए तो वो काउंट होती है। गाइस फिर क्लासिफिकेशन चल रहा था हमारा, जिसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अगर बात करें, देखिए पहले क्लासिफिकेशन हम पहले इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे, फिर हम इस पे आएंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमें नेचर ऑफ द बेसिस ऑफ जॉब्स के रिलेटेड अगर बात करें, तो वो हमें ये बताने की कोशिश करी गई थी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स में क्या फ़र्क होता है। और इसी वीडियो को हम आगे जो अभी जो टॉपिक जो चलेगा वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के ऊपर ही बेसिकली जो पूरा का पूरा जो डिपेंड होगा। देखिए प्राइमरी सेक्टर यार देखिए सिंपल वो होते हैं जो डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, या फिर उनका एक्सप्लॉयट किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, जो डायरेक्टली मिल जाते हैं, यानी कि द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक में डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, हाँ डायरेक्टली जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया या फिर उनका एक्सप्लॉयट कर दिया, जैसे कि लाइक आप माइनिंग कर सकते हैं। कि देखिए माइनिंग में भी क्या होता है, कोल होता है, कोल अब ऐसा नहीं कि देखिए धरती के नीचे भी कोल पाया जाता है, लेकिन आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यानी कि आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, खनन करना पड़ेगा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो तभी आपको वो चीज़ें
प्राप्त होती हैं। तो इस चीज़ को फिर हम जो काउंट करते हैं, जो ऑथर्स कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर्स में काउंट किया जाता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, फिशिंग आ गया, माइनिंग आ गया। आप देखें तो टेस्ट सीरीज के अंदर कभी कभी माइनिंग इसमें टेस्ट सीरीज में काफ़ी जो कोचिंग वाले हैं वो घुमाते हैं। तो बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि माइनिंग जो होता है सेक्टर, ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ना कि ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। इस चीज़ को बस आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो यानी प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से कन्वर्ट किए जाते हैं। ये हमने 9th क्लास 8th 7th क्लास में भी पढ़ाई है। बस यहाँ पे जैसे रीकैप दिखाने के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें जो जल्दी जल्दी जो है ताज़ा तरोर हो जाए और आप लोगों को समझ आ सके। देखिए सेकेंडरी सेक्टर्स वो होते हैं जो, अगर बात करें तो नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करा जाता है आगे, उनको फिनिशिंग गुड्स की तरफ आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग में डाला जाता है अगर बात करें तो ओवरऑल, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज के समय अगर पॉइंट व्यू से सोचने की कोशिश करें कि लाइक भाई वाई मेक इन इंडिया, अगर नरेंद्र मोदी जी अगर कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि भाई मेक इन इंडिया करो, तो इसी के जैसे वाइस वर्सा हमें चाइना के अंदर भी देखना पड़ता है, देखने को मिलता है, जिसमें लिखा रहता है मेक इन चाइना। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सीज हमें 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक में देखने को चाहिए, बिकॉज टॉपिक बहुत वास्ट है दोस्तों। ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे जैसे मैं आपको बेसिक्स ही करा के ख़त्म करूँगा, बाकी 11th और 12th क्लास में तो हम दिखाएंगे आपको कि आप कहाँ चीज़ें कैसे कहाँ किस किस एंगल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया भी हो सकता है आज के समय, देखिए आज के समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्यों है मेक इन इंडिया से रिलेटेड, तो ये भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर्स में हमें बिलोंग रखता है। आज के समय आखिर क्यों भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें साउथ एशिया से अगर बात करें कंपेयर करें, हमारा आखिर क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इतना आज के समय वीकेंड है। ये कुछ प्रो एंड कॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, ये क्रिटिकल एसेस हमें क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ये बात की बात है। बट मैं आपको जैसे ये दिखाया कि आप इन क्वेश्चन पर सोचेंगे जरूर। तो यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो अगर चेंज कर देते हैं अनदर फॉर्म में, मैन्युफैक्चरिंग में कर देते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर्स में कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं आप मुझे कमेंट्स में करेगा, ये मेरी तरफ से छोटा सा एक होमवर्क है। देखिए टर्टरी सेक्टर्स वो होते हैं जिसको बोलते हैं तृतीय उद्योग। देखिए वह उद्योग जो स्पेशली अगर बात करें जो देखिए डायरेक्टली तो नहीं मैं बोल सकता कि फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं, यानी कि आल्सो कॉल नोन एज द सर्विस सेक्टर। देखिए फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर दोनों में कहीं ना कहीं जरूरी होती है। अब किसान है, किसान खेती करेगा, उगाएगा अनाज को उसको गोदामों को में बेचेगा, तो बेचने यानी जब अगर किसान यहाँ पे है गोदाम यहाँ पे है, अगर उसको जाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर 5 किलोमीटर दूर उसका अगर गोदाम है, वहाँ बेचने जाता है, मंडी में बेचने जाता है, तो 5 किलोमीटर अब ऐसा तो नहीं कि एक बोरी वो 5-5 किलोमीटर का राउंड लगा के वहाँ पे इकट्ठा करेगा, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उसको भी ट्रांसपोर्ट का तो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ टेरिटरी सेक्टर एक सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की तरफ आगे बढ़ रही है आज के समय अगर देखें तो, यानी कि प्रोडक्शंस में अगर बात करें तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको गुड बना के दे रही है, नहीं, ये सपोर्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ आगे बढ़ती हैं अगर बात करें टेरिटरी सेक्टर, जिस वजह से इसके एग्जांपल्स में बैंकिंग है। अब बैंकिंग में क्या है, आदमी तो व्यापारी करता है, चाहे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ही का बिजनेस है, आपके ही डीलर्स होते हैं कुछ, तो आप क्या करते हैं प्रॉफिट लॉस हो जाता है, आपकी डीलिंग्स हो जाती हैं, लेकिन बीच में अगर देखें जो मीडिएटर हो जाता है फिर वो सर्विस सेक्टर आना पड़ता है बिकॉज बैंकिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स सपोज अगर आप फॉरेन कंट्री में अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि बैंक गारंटी एक वर्ड आता है। तो बैंक गारंटी कौन, अब बैंक गारंटी वैसा नहीं कि आदमी देगा, नहीं, वो बैंक में ही जाके चीज़ें होती हैं। तो जिस वजह से फिर बैंकिंग सेक्टर्स को भी बीच में आना पड़ता है, इन्हीं को ही हम टेरिटरी सेक्टर्स कहते हैं। ये सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये एक तरह से देखा जाए ओवरऑल ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं होता, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं एक तरह से प्राइमरी और साथ में सेकेंडरी सेक्टर को, तो इसलिए इनका नाम सर्विस सेक्टर के नाम से आज के समय जो जाना जाता है, लाइक कॉल सेंटर्स हो गए आपके और जो भी, ये मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए। तो गाइज एक मेरी चर्चा छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि भाई व्हाट अबाउट द 4th एंड 5th सेक्टर्स नाउ दीज डेज। आपने देखा होगा कि भाई 5th सेक्टर्स से भी चीज़ें आ गई हैं, तो ये आखिर चौथा जिनको पता है तो कमेंट कीजिएगा कि 4th एंड 5th सेक्टर क्या होता है। तो ओवरऑल अगर रीकैप देखें तो प्राइमरी प्रोडक्शंस में देखें तो एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल होता है, इसके अंदर भी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, माइनिंग, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह सेकेंडरी प्रोडक्शंस के अंदर देखें तो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी पहले एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि लेट्स सपोज 10 रुपये का किलो गेहूँ के हिसाब से इन्होंने निकाला। अब यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में आके इन्होंने बिस्कुट बना दिया, अब उसकी कीमत होगी 100 रुपये किलो, देख रहे हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर से
उन्होंने गेहूं खरीदा 1 किलो और उसी 1 किलो का मशीन्स की विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स उन्होंने क्या किया 100 रुपीज़ का बिस्कुट बना दिया। आपने देखा भी होगा पार्ले जी, टाइगर, ये कुछ फेमस बिस्कुट्स हैं आज के समय भी जो आदमी खरीदता है। तो सेकेंडरी सेक्टर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे एक एक आधार मिलता है, यानी प्रोसेस एक तरह से देखने को मिलता है, जिसके अंदर फिनिश या फिर सेमी फिनिश गुड्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। लाइक एग्जांपल्स प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर, असेंबलिंग, ये सारी सारी चीज़ें जो होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। आखिर क्यों मोदी जी क्यों कह रहे हैं वाई मेक इन इंडिया, भाई मेक इन इंडिया में क्यों हम चीज़ें बनाएं, बनाओ भाई, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज हो, वो अलग बात है। टेरिटरी सेक्टर्स के अंदर गाइस ये होता है कि प्रोड्यूस, सर्विस, जिसके अंदर आपका ओवरऑल देखा जाए तो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, रिटेलिंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हो सकता है कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पूछने की कोशिश करें, तो ये सारी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो बताने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स एनालिसिस सम डेटा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें पता चलेंगी, एक ओवरव्यू पता चलेगा कि 1947 से लेके 2017 तक में क्या क्या चेंजेस हुए, और ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले ग्राफ में ये बताने की कोशिश करी गई, देखिए 1973 में एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट निकाला, 1973 में यही इन्होंने बताने की कोशिश करी गई कि ठीक है प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, आदमी ज़्यादातर लोग जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, जिस वजह से यानी अर्निंग प्राइमरी सेक्टर की ज़्यादा थी, यानी जीडीपी के अंदर रेशो अगर बात करें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया सर्विस सेक्टर पर हम ज़्यादा लोग डिपेंड होने लग गए, ये देखिए ना कुछ ये कुछ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर भी थोड़ा सा ब्लूम हुआ और उसके साथ प्राइमरी सेक्टर जो है संकुचित यानी कि स्मॉल होता गया, यानी माइक्रो में चला गया, ये ओवरऑल एनालिसिस पर। लेकिन अगर देखें शेयर ऑफ सेक्टर इन द जीडीपी परसेंटेज कि भाई वो कौन कौन से शेयर्स हैं, यानी कि क्या कितनी परसेंटेज वो शेयर करता है, जिस वजह से हमें चीज़ों को थोड़ा और एनालिसिस करने का मौका हमें जो है यहाँ पे मिलना। अगर इस चीज़ को एनालिसिस करें शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी परसेंटेज को, तो आप देखें 1973 से रिलेटेड 1973 में एग्रीकल्चर का ऑलमोस्ट 45% से रिलेटेड या फिर 44-42% से रिलेटेड हमें एग्रीकल्चर के अंदर जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का इतना रेशियो था। मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी ज़्यादा कम था, टेरिटरी सेक्टर्स का ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि फिर भी 1973 तक भी अगर देखें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा हमें जो यहाँ पे सारी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उदारीकरण हुआ, एलपीजी आया, डिफरेंट रिफॉर्म्स हुए, 2003 में अगर हम देखें तो हमारे प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकनॉमी है वो डाउन होती चली गई, यानी कि अब इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमिक नहीं रहा, अब ये एक सर्विस सेक्टर इकनॉमिक रहा। अगर बात करें देखिए इकनॉमिक्स सर्विस सेक्टर के अंदर भी ओवरऑल 50+ जो है टारगेट जो है 50+ जो सेक्टर्स हैं वो शेयर करता है वो जीडीपी के अंदर, और सेकेंडरी तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है, बट फिर भी थोड़ा वो चेंजेस हुआ है, बट हाँ ये भी बोल सकते हैं बड़ा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है कि आखिर ये ट्रेंड एनालिसिस क्या कह के गया, क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो सकता है, इसी ग्राफ से पुटअप हो सकता है कि व्हाट आर द रीजंस, भाई आखिर वो कौन कौन से रीजंस हुए ताकि इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं, तो वो रीजंस लिखिए। एक तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से मेन से रिलेटेड बन गया। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखिए शेयर ऑफ सेक्टर इन द जीडीपी परसेंटेज, अगर हम एम्प्लॉयमेंट्स की अगर बात करें तो देखिए 1973 में मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट थी हमारी, जो रोजगार था वो एग्रीकल्चर में था, डिपेंडेंट था, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम था, सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी कम था। लेकिन आज भी अगर देखें हम लोग तो कहीं ना कहीं आज भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट आज भी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर हम देखें सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत कम है, अगर एज पर कंपेयर करें हम अगर लास्ट वाले फिगर से इस वाले फिगर से, तो देखिए जीडीपी के अंदर इसका परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाँ ठीक है कमाई करके दे रहा है देश को, काफ़ी ज़्यादा कमाई करके दे रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये काफ़ी कम है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अगर ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट हमारी बहुत कम है। तो आज भी जो इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही जो है घुसी हुई है। अगर एनालिसिस करें ओवरऑल सेक्टर कंट्रीब्यूशन जीडीपी परसेंट है, तो देखिए सर्विस का 59%, ये कोई लेटेस्ट डेटा 2010 का हमें देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज को 27% और एग्रीकल्चर कुछ 14% हमारा ओवरऑल जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट 60 कर रहा है, ऑलमोस्ट 60 की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो बहुत कम जो जनरेट बहुत कम हो रहे हो मतलब हो पा रही है, जिससे हमारी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा जो चांसेस हैं कि आने टाइम में लटखड़ा भी सकती है, और इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर। गाइज हमें एनालिसिस यही करके मिला कि देखिए आज के समय टेरिटरी सेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है,
बिकॉज चाहे हॉस्पिटलिटी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग वाले हो, आज के समय दुनिया भर के ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंक्स हो, ये कहीं ना कहीं हमें जो है ये बैकबोन की तरह काम करते हैं। और एक चीज़ और कि इसके अंदर देखिए ये भी हो सकता है कि देखिए द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लेस टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सच ट्रांसपोर्ट बैंकिंग एंड रिक्वायर। तो जब एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट होता है साइड टू साइड, अगर मैंने अगर इंडस्ट्री का अगर डेवलपमेंट होता है तो फिर जो है सर्विस सेक्टर जो है इंक्रीज होने लगता है। तो ये ओवरऑल सारी सारी चीज़ें जो हमें एनालिसिस करने के बाद एनसीईआरटी को मिलती हैं। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन उठा कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस आखिर होते क्या हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स, अब देखिए फाइनल गुड्स में वो चीज़ें जो एकदम फाइनल गुड्स में है, इसमें मिडिट्री गुड्स नहीं काउंट करी जाती हैं। मिडिट्री गुड्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, जस्ट लाइक सपोज अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई, फॉर एग्जाम्पल आपने आटे से, आपने गेहूँ से ब्रेड बनाया, तो आपके लिए अगर आपने ब्रेड बनाया तो आपके लिए गेहूं जो होगा वो आपको मिडिट्री चीज़ है, तो आप हमेशा ब्रेड को काउंट करेंगे, गेहूं को काउंट नहीं करेंगे। तो दैट्स कॉल्ड फाइनल गुड। तो हर आदमी के लिए फाइनल गुड्स में किया जाता है सेट टू सेट सर्विस सेक्टर्स। और एक चीज़ और, जो भी एक साल के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, जो ये जो आपको एक साल के अंदर आपको ये चीज़ें जो है लेनी होंगी, और साइड टू साइड टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, यानी कि जो भी पूरे साल का उत्पादन निकला, इन प्रोडक्शन निकली पूरे देश की, उसको हम जीडीपी के अंदर जो है काउंट करते हैं। ये तो था एक ओवरऑल फॉर्मूला, लेकिन अगर कैलकुलेशन देखें तो जीडीपी इक्वल टू द सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि सी माने कंजप्शन, पूरे देश में क्या क्या कंजप्शन हुई इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट यहाँ पूरे देश की इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हुई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने कितने हुए, यहाँ भी कहाँ पे कितना पैसा लगाया गया, कौन सी योजनाओं में कितना पैसा डाला गया, और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस ये हमारा कितना मीन्स एक्सपोर्ट हुआ, फिर इसमें से हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट एक्सपोर्ट नहीं। तो ये था ओवरऑल जीडीपी कैलकुलेशन। ये एक प्रिंस पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पूछा जा सकता है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए गाइज, अभी तक हमने जो सेक्टर क्लासिफिकेशन किया, हमने अभी तक नेचर ऑफ द जॉब्स को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टाइटल सेक्टर को अच्छे से समझा, और इसमें मैंने ये भी जानने की कोशिश करी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, इसे थोड़ा सा हमने चीज़ों को एनालिसिस किया, डेटा को भी एनालिसिस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट पिलर पर चलते हैं कि बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशन के हिसाब से भी दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, या एक होता है ऑर्गेनाइज और एक होता है अनऑर्गेनाइज। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं कि अगर बात करें कि हाँ भी ठीक है रेगुलर जॉब मिल रही है, हमारी तरफ से एक जॉब सिक्योरिटी है, आप देख सकते हैं लिमिटेड कंपनीज़ में। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट जॉब्स अगर बात करें तो, इसके अंदर क्या होता है, हाँ कुछ भी हो जाए ठीक है, सैलरी हर महीने एक तारीख को आ जानी है, आदमी सिक्योर है, मेडिकल क्लेम मिलता है, कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसके साथ उसकी कंपनी उसके साथ उसके आगे खड़ी रहती है। तो ये तो बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। लेकिन इंडिया के अंदर आज भी जो अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेटा बताऊँ तो मैक्सिमम 7-10% से रिलेटेड ही सिर्फ जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आज के समय पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो काम करते हैं लोग, नहीं 100 में से सिर्फ 10 बंदे, 90% प्लस जो होते हैं जो लोग हैं वो आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के फायदे क्या हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी सिक लीव हो जाए तो आदमी छुट्टी ले सकता है, उसको पेड लीव मिल जाता है, ये सभी को पता है सारी चीज़ें। फिर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, फिर और भी प्रमोशंस, अलग अलग चीज़ें दुनिया भर की इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हमें देखने को मिलती है। एक में बोलते हैं कि हाँ एक छोटी सी रॉयल लाइफ हमें यहाँ पे हम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है कि भाई जितना काम करोगे आपको उतना मिलेगा, जितनी सेल होगी आपको उससे रिलेटेड आपको आमदनी मिलेगी, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और देखिए, इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, आदमी टेम्परेरी बेसिस काम करता है, जैसे कि आज आया कल उसके मालिक ने बोल दिया भाई कल से मत आना, आज अपना हिसाब ले लो। तो सोचो अगर उसके घर में कितनी बड़ी फैमिली हो और वही एक लड़का कमाने वाला हो और सडनली उसका मालिक बोल दे कल से मत आना, तो सोचिए एक कितनी बड़ी सिचुएशन, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन जो स्टार्ट हो जाएंगी। आप उस बंदे से सोचिए कि अगर वो इस तरह की जो थिंग्स को अगर फेस कर पाए तो कहीं ना कहीं इसके लॉज अगर देखें तो इंडियन लॉ भी यहाँ पे काम नहीं करते हैं, फिर रेगुलेशंस काम नहीं करते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ओवर इम्प्लीमेंशंस करने में। और साइड टू साइड देखिए जॉब सिक्योर नहीं होती है, तलवार की धार पे खड़े रहते हैं, कभी भी खरबूजा कट सकता वाला हिसाब होता है कहीं ना कहीं देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड इंडिया की पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है हमें डेवलप करनी, बहुत बड़ी डेवलप करनी चाहिए, जिस वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं इनको हम कम कर सकें और इनको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ला सकें ताकि जॉब सिक्योरिटी इनको मिल सके। तो ये ओवरऑल ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड हमें देखने को यहाँ पे सारे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन, तो थर्ड जो पिलर था वो था कि भाई बेसिस ऑफ द ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर। देखिए प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर्स वो होते हैं
कि हाँ बोल सकते हैं कि भाई जो कोलाबरेट है या फिर मैनेज बाय द गवर्नमेंट होता है और एक्टिविटीज इन द गवर्नमेंट सेक्टर आर द गाइडेड बाय टू मूव द सोशल वेलफेयर नॉट फॉर द अन प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर में यही होता है कि देखिए सोशल वेलफेयर जो होता है मेन मोटिव होता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, ऐसा नहीं है कि अब कि अन जस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड बस बिजनेस माइंडेड बंदे हैं बैठे हैं, नहीं अन प्रॉफिट नहीं, उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ये होता है कि भाई सोशल वेलफेयर हो, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जनकल्याण हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो जो चीज़ें हैं निकल के आएँ। इनका जो मोटिव है वो जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, इनका सिर्फ मेन काम जो मैक्सिमम जो काम ये देखते हैं सोशल वेलफेयर की तरफ से देखा जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर क्या होता है भाई, पैसा कमाओ जितना ज़्यादा हो सके चोरी चकारी से, जैसे भी वर्ड्स वाइवर कितने भी घोपले घपले करो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ओवरशो जो देखा जाए तो यही देखने को मिलता है कि भाई पैसा कमाओ टू अर्न मोर प्रॉफिट जितना हो सके, किसी भी तरह से बस पैसा कमाओ यही होता है। तो गाइज प्राइवेट सेक्टर की देखिए ओनरशिप में प्रोडक्शन उसकी खुद की होती है, लैंड्स हो तो प्राइवेट द इंडिविजुअल्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आके यहाँ देगी, नहीं, अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमें इंडिविजुअल चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और समाज का गरीब तबका जिसके कहते हैं कि एक बोलते हैं कि एक अमीर तो बहुत ज़्यादा अमीर होना स्टार्ट करता है, लेकिन एक गरीब और ज़्यादा गरीब होना स्टार्ट कर देते हैं अगर ये सारी जो सिचुएशन अगर हम देखने की कोशिश करें। फिर इसके जैसे गाइज ऑथर ने हमें महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जिसको मनरेगा भी कहते हैं से रिलेटेड हमें कुछ एक्ट्स दिखाने की कोशिश की। देखिए 2005 में एक ऐसा है जो ये एक्ट है जो कानून के थ्रू जिसमें के अंदर कानून लागू है अगर बात करें, जिसमें लॉ इम्प्लीमेशन होता है अगर बात करें तो राइट टू वर्क से रिलेटेड हमें हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से भी। 2004 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ओवरऑल देखा देख हमें ये ओवरऑल वर्क कर रहा है आज के समय जो NCERT में कह रहा है। देखिए 100 डेज के अंदर इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है अगर बात करें तो, लेकिन इसमें ये भी कंडीशन है कि देखिए अब ऐसा नहीं है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पूरे पूरे साल के अंदर तो, लेकिन एक फैमिली में से सिर्फ एक ही बंदे को मिलेगा, ये भी एक इसकी जो कंडीशन है कि एक फैमिली में से सिर्फ एक ही कंडीशंस को यहाँ पे मिलेगा। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें देखा जाए तो 10th क्लास की सेकंड चैप्टर में हमें देखने को मिलती है। देखिए एक तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो ड्यू टू द सीजन्स की वजह से तो हो जाता है। लाइक अगर बरसात में देखें तो आदमी के समय आज के समय काफ़ी कम काम होता है। इवन अगर कोई एक राजमिस्त्री भी है अगर बरसात आ जाए तो वो अपना काम रोक देते हैं कि नहीं ठीक है खाली बैठो, इवन दैट उसका जो मालिक हो बोलेगा नहीं भाई बरसात के बाद आना, भी तो बरसात हो रही है हम काम नहीं करा सकते। इसी के तौर पे आप गांव में ले जाइए तो बरसात के समय आप देखते हो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो खाली बैठे रहते हैं घर के अंदर रहते हैं क्योंकि बरसात हो रही है वर्षा हो रही है जिसको कह सकते हैं। तो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो है अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट में जो है काउंट करे जाते हैं। अब उस टाइम पर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या करें बैठो बेरोजगार बैठते हैं, तो जिस वजह से फिर ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। एक होता है गाइस जो होता है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, एक क्या होता है कि देखिए एक खेत के अंदर अगर जहाँ पे 3 ही आदमी की जरूरत है लेकिन वहाँ 6 आदमी जबरदस्ती डाल रखे हैं तो इसको हम इसी तरह की एम्प्लॉयमेंट को हम काउंट करते हैं। एक होता है गाइस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए वो जब इकोनॉमिक फेल टू जनरेट इनफ जॉब्स, अब देखिए इनफ जॉब्स जब एक इकोनॉमी यानी कि एक कोई भी अगर इकोनॉमिक जब इनफ जॉब क्रिएट नहीं कर पाती तो उसको स्ट्रक्चरल जो है अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसको संरचनात्मक बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं। यानी कि इसके अंदर देखिए वो चीज़ें आती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सर्विस सेक्टर के अंदर जो GDP का रेशियो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। क्यों? मैक्सिमम कंप्यूटर ने ले लिए है, 10 का काम एक कंप्यूटर करता है तो डेफिनेटली कहाँ से जॉब्स निकलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हमें देखने मिलते हैं। एक होता है साइकिल आपका जो होता है साइकिलिक या फिर साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट दैट क्रिएट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इज एन इकोनॉमिक। जब मंदी आती है आपने देखा होगा 2008 के अंदर जब मंदी आई थी बहुत बुरी था तो भारत पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था, ITs की जो जॉब खत्म हो गई थी ITs कंपनीज की। तो कहीं ना कहीं ये सारे सारे एग्जांपल जो हमें साइकिल यानी कि जब पूरे देश में यानी पूरे अगर ओवरऑल अगर वर्ल्ड के अंदर जब कुछ डिप्रेशन चलना स्टार्ट होता है मंदी चलनी होती है तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ता है जिससे जिससे जॉब जाने का ज़्यादा खतरा होता है। एक होता है वैन एम्प्लॉयमेंट, एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कि भाई जब आदमी हमने देखा होगा मैक्सिमम कहीं ना कहीं जॉब करके इधर से उधर ट्रांसफरिंग करता है तो भी उसका जो पीरियड होता है कूलिंग पीरियड उसमें वो कहीं कमा नहीं पाता है। फॉर एग्जांपल एक आदमी मुंबई से दिल्ली जा रहा है, मींस मुंबई में जॉब करता था लेकिन उसको दिल्ली से अच्छा ऑफर आ गया तो उसको सेटल डाउन होने को 10 से 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं। हाँ फिर अपॉइंटमेंट लेटर लेगा फिर सेटल डाउन होगा तो 15 से 20 दिन भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ही बेरोजगारी ही होती है एक तरह से डायरेक्टली। तो ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें देखने को सारी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरी तरफ से देखिए डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू द प्राइमरी सेक्टर थर्ड सेक्टर इज यूजफुल एक्सप्लेन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है
टेरेटरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वो ये कहता है कि जितने जो सेक्टर होते हैं वो खास ज़्यादा कोई खास रोल नहीं आज के समय निभा पा रहे हैं. अगर बात करें डेवलपमेंट के अंदर, अगर डिजिटल इंडिया बनाना है, हैप्पी मेक इन इंडिया बनाना है, तो आज के समय तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं करते. गाइज गिव योर रीज़न इन योर सपोर्ट. बाकी ये बोलूँगा गाइज, थर्ड चैप्टर सून मैं आपको अपलोड कर दूँगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.